बीते बृहस्पतिवार को देश के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी दो दिवसीय उत्तराखंड यात्रा पर देहरादून पहुंचे और शुक्रवार तक उत्तराखंड में रहे। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखड़ जी भी मौजूद रही। इस दौरान सर्वप्रथम जीटीसी हेलीपैड पहुंचने पर उपराष्ट्रपति जी को गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए उनका स्वागत अभिनंदन किया गया। इसके पश्चात उपराष्ट्रपति जी गंगोत्री पहुंचे, जहां उन्होंने पत्नी संग गंगोत्री धाम के दर्शन कर गंगोत्री मंदिर एवं गंगा तट पर पूजा अर्चना कर राष्ट्र के उत्थान एवं लोक कल्याण की कामना की। इस दौरान तीर्थ पुरोहितों एवं मंदिर समिति के पदाधिकारियों एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों तथा स्थानीय निवासियों ने उपराष्ट्रपति जी का परंपरागत तरीके से स्वागत किया। देर शाम उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी के राजभवन देहरादून पहुंचने पर प्रथम महिला श्रीमती गुरमीत कौर जी के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति जी का स्वागत किया। उपराष्ट्रपति जी के राजभवन आगमन पर उनके सम्मान में राजकीय भोज और सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। सांस्कृतिक संध्या में संस्कृति विभाग के कलाकारों ने देवभूमि उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर आधारित मनमोहक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। ITBP के कलाकारों ने भी अपने गायन और बांसुरी वादन की सुंदर प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जी ने राजभवन स्थित राज प्रज्ञेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना और साई गार्डन तथा नक्षत्र वाटिका का भ्रमण भी किया। शुक्रवार को प्रातः उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने राजभवन में लाल चंदन के पौध का पौधारोपण किया, जिसके पश्चात उपराष्ट्रपति जी केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम जी के दर्शन हेतु रवाना हुए। इस अवसर पर मुझे भी उनके साथ रहने का अवसर प्राप्त हुआ। केदारनाथ पहुंचने पर केदारनाथ निर्माण कार्यों का उपराष्ट्रपति जी ने निरीक्षण किया, साथ ही संबंधित अधिकारियों से जानकारी भी ली। इस दौरान बाबा केदारनाथ धाम पहुंचकर उपराष्ट्रपति जी ने बाबा के दर्शन किए। बाबा केदारनाथ का रुद्राभिषेक एवं जलाभिषेक कर देश की खुशहाली एवं जनकल्याण की कामना की। साथ ही उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने अपनी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी के साथ भगवान बद्री विशाल के भी दर्शन किए और देश की एकता, अखंडता और विश्व शांति के लिए प्रार्थना की। श्री केदारनाथ एवं श्री बद्रीनाथ धाम के दर्शन उपरांत माननीय उपराष्ट्रपति जी कंट्री लेड इनिशिएटिव मीटिंग अंडर यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में FRI देहरादून पहुंचे, जहां कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन का समाधान एक देश नहीं ढूंढ सकता, सभी देशों का साथ आना आवश्यक है। उपराष्ट्रपति ने दूरदर्शी पहल के रूप में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और अमृत सरोवर योजना की भी सराहना की। साथ ही कहा कि इस दशक के अंत तक भारत तीसरी सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था होगा। इस कार्यक्रम के पश्चात माननीय उपराष्ट्रपति जी जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से वायुसेना के विमान से दिल्ली हेतु रवाना हुए। उपराष्ट्रपति जी का उत्तराखंड भ्रमण कार्यक्रम शानदार और सफल रहा, जिसके लिए मैं समस्त अधिकारियों को अपनी बधाई प्रेषित करता हूं।